नमस्कार सभी को, जय हिंद। बिल्कुल आ गए हैं भैया, और हमारी रीजनिंग की क्लास आज स्टार्ट हो रही है। बहुत ही शानदार तरीके से हम आगामी जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। बिल्कुल सभी का स्वागत, सभी का स्वागत। एक बार सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा कि क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, बहुत ही अच्छा मैटर है, ठीक है। सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान दें। सभी का स्वागत है भैया। प्रवीण, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सोनू, बिल्कुल आ गए हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी बिल्कुल आ चुके हैं। जय हिंद मुकेश, जय हिंद। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दें भैया, सभी विद्यार्थी, फिर हम प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और कैसे नहीं आएंगे उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। विजेंदर बिल्कुल, अब देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो पहला सवाल क्या दिया गया है, ठीक है, ध्यान से एक बार सभी विद्यार्थी समझ लेना, बहुत ही आसानी से समझेंगे हम कि किस प्रकार से किस क्वेश्चनों को हल करें, कम समय में क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, सब बातें हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर एक गन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित गन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये पासा आपको जो दिया हुआ है वो कैसा है, तो बच्चों इसका आंसर बताइए। इसमें हमें पूछा है कि विपरीत पृष्ठों पर क्या होगा, तो आपका आंसर ए होगा, डी या एफ विपरीत होगा, बी या ई होगा, एफ या ई होगा, सी या एफ होगा। एक बार सभी विद्यार्थी आंसर दे पहले क्वेश्चन का, सभी विद्यार्थी आंसर दे भैया। बिल्कुल रॉयल रूपसा, जय हिंद जय हिंद। एक बार क्लास को शेयर कर दें आप। शर्मा जी का लोंडा, रीजनिंग के देवता, बिल्कुल धन्यवाद आप सभी का। आपका यही प्यार हमें एक अच्छी ऊर्जा प्रदान करता है कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या हम करेंगे। कानाराम का आंसर आ रहा है, दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से अब हम चलते हैं, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर निवेदन रहेगा, सभी विद्यार्थी क्लास को एक बार शेयर कर दें। अशोक कह रहा है क्या हुआ सर, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था भैया, ठीक है। एक बार सभी विद्यार्थी एक बार वापस क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। बिल्कुल देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से समझिए ना कि क्या कह रहा है। हमें एक खुला पासा दिया हुआ है, और जब कोई भी आपको खुला पासा दिया हुआ होता है तो याद रखना आपको पूरी की पूरी छह सतह दिखाई देगी, ठीक है भैया। सतह को इंग्लिश में सरफेस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब कोई भी खुला पासा दिया हुआ होता है तो एक ही नियम लगता है, और उस नियम का नाम है एकांतर नियम। कौन सा नियम है दोस्तों? एकांतर नियम है, ठीक है। एकांतर नियम का मतलब होता है देखो एक का अंतर, एक छोड़कर एक, ओके। अब देखिए यदि मैं इस पासे में चलूं तो देखिए पहला जो बॉक्स है उसका तीसरा बॉक्स विपरीत हो जाएगा, एक छोड़कर एक। इस दूसरे का चौथा बॉक्स विपरीत हो जाएगा, और जो बचेगा वो उसका क्या हो जाएगा? विपरीत। तो हमें पता है कि एक का विपरीत जो आया वो ई आया, एफ का विपरीत डी आया, और बी का विपरीत सी आया। तो इन तीनों में से आप देख लो कि आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ए, डी और एफ हैं
वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल रमाकांत, बिल्कुल आपका स्वागत है, बिल्कुल गोर्धन, बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो में। ये जो सवाल दिया हुआ है सांकेतिक भाषा का सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर दीजिए। तो देखिए हमें प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में केमल को लिखा गया है ई सी एन जी एन, हॉर्स को लिखा गया है JQSUG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वेल को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर जो है वो ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रोयल रूप सा, बिल्कुल आपका भी स्वागत। रेखा कड़वा, राम राम, बिल्कुल राम राम। आप बहुत ही अच्छा मैटर हमारे पास है, बहुत आने वाले एग्जामों में आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो विद्यार्थियों का आंसर आने लग गया है, ठीक है। रमाकांत भी बता रहे हैं, ममता सी बता रही है, कानाराम भी बता रहे हैं, ठीक है भैया। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा एक बार समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझना कि किसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे आपको प्रश्न में दिया गया है केमल, क्या दिया गया है भैया केमल, कि इसको क्या लिखा हुआ है। देखो सी ए एम ई एल, इसको जो भी लिखा गया है वो इसके हम क्या लिख देंगे तुरंत नीचे, ठीक है। मनीष नमस्ते, बिल्कुल। अब देखो इसको लिखा जा रहा है ई सी एन जी और एन, ठीक है भैया। फिर दूसरी बात है हॉर्स को एच ओ आर एस ई को लिखा जा रहा है JQSUG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हमें लिखना है वेल को WHALE, ठीक है भैया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। विजेंद्र बता रहा है बी, देखते हैं क्या होता है भैया, अब ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं इनका क्रमांक लिख लेता हूँ, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। सी का 3, ए का 1, एम का 13, ई का 5, एल का 12। ई का 5, सी का 3, एन का 14, जी का 7 और एन का 14। क्रमांक मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपको समझ में आए, लेकिन यदि आपको क्रमांक याद है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको आराम से प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि क्रमांक याद रहने से आपको समय हमेशा आधा लगेगा, ठीक है भैया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ 3 है या 5 है तो प्लस का 2, या 1 या 3 तो प्लस का 2, या 13 या 14 प्लस का 1, या 5 या 7 प्लस का 2, और यहाँ 12 और यहाँ 14 तो प्लस का 2। तो आपने ये देखा कि शुरू के दो अक्षरों में प्लस 2 हो रहा है, लास्ट के दो अक्षरों में प्लस 2 हो रहा है, और बीच वाले अक्षर में प्लस 1 हो रहा है। यदि यही नियम यदि यहाँ लगता है तो इस नियम को यहाँ लगा सकते हैं, हमारा प्रश्न सही होगा, ठीक है। बिल्कुल सभी का स्वागत, एक बार क्लास को शेयर कर दें सभी विद्यार्थी। अब देखो एच का हुआ 8, ओ का हुआ 15, आर का हुआ 18, एस का हुआ 19 और ई का हुआ 5, जे का हुआ 10, क्यू का हुआ 17, एस का हुआ 19, यू का 21 और जे का 7। देखिए प्लस 2 हुआ, 15 में 2 जोड़ने पर 17, 18 में 1 जोड़ने पर 19, 19 में 2 जोड़ने पर 21, 5 में 2 जोड़ने पर 7, यही नियम यहाँ लगा। तो याद रहे इसमें भी वही नियम लगेगा, सेम नियम लगेगा। तो देखिए गुरुजी की क्लास को शेयर और लाइक, बिल्कुल धन्यवाद, ठीक है। अब इधर देखो सबसे पहले मैं यही नियम इधर लगाऊंगा, सबसे पहले मैं करूंगा प्लस का 2, फिर होगा प्लस का 1, फिर प्लस का 2 2,
ठीक है। तो आप सबको पता है W का क्रमांक 23, H का 8, A का 1, L का 12 और E का 5। 23 और 2 होता है 25, 25 पर Y। 8 और 2 होता है 10, 10 पर अक्षर J। 1 और 1 होता है 2, 2 पर B। 12 और 2 होता है 14, 14 पर N। और 5 और 2 होता है 7, 7 पर G। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है Y, J, B, N, G। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जिस जिस विद्यार्थी ने बी बताया है उनका सही है। राजस्थान, राम राम गुरुजी, राम राम, बिल्कुल धन्यवाद। डेगाना से, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास के लिए एक बार सभी विद्यार्थी ये बता दो, समझ में आ रहा है क्या जो मैंने दोनों क्वेश्चन बताए, समझ में आ गए? बिल्कुल सभी का आंसर भी आ रहा है, सोनू का भी राइट आंसर भी आया है। मैं तीसरे क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। पुनीत गोदारा, स्वागत है अजमेर से आपका बहुत बहुत। आपने देखा है तो हर एग्जाम में हमें पूछा जाएगा यस या नो, यस। अब देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप बताइए भैया। मैं आपको प्रश्न पढ़ के सुना रहा हूँ, आप खुद मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। ए डी के, डी का पिता है, सी और डी भाई है, जी बी की माँ है और सी बी का भाई है, तो जी ए से किस प्रकार संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है भाभी, सेकंड ऑप्शन है बहन, तीसरा है सास और चौथा है पत्नी। तो मुकेश कुमार कह रहे हैं बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल धन्यवाद। पुनीत गोदारा क्या कह रहे हैं? जे तेजा बाबा की, बिल्कुल जे तेजा बाबा की। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दें अच्छी तरीके से ताकि इस क्लास का बहुत सारे विद्यार्थी लाभ उठा सकें, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझना, डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्या इस सवाल का आंसर होगा। ए डी का पिता है, तो ए किसका पिता है भैया? डी का पिता। पिता हमेशा ऊपर वाली पीढ़ी में होते हैं, ठीक है। तो डी का पिता है ए, और पिता होने पर प्लस का चिन्ह आएगा। आगे बढ़ो, सी और डी भाई हैं, तो भाई हमेशा समान पीढ़ी में आते हैं, तो ये सी और ये डी भाई है, तो उस पर किसका चिन्ह होगा भैया? प्लस का, ठीक है। जी बी की माँ है, तो देखिए जी बी की माँ है, ये लाइन इस अभी तक इस डायग्राम में नहीं आई है, ठीक है भैया। अब आगे देखिए हम चलते हैं, यदि जो लाइन डायग्राम में नहीं आती है उसे एक बार छोड़ दो, आगे चलो अपने आप लाइन आ जाएगी, ठीक है भैया। अब देखो सी बी का भाई है, तो बताओ सी है वो किसका भाई है? बी का भाई है, भाई है तो समान पीढ़ी में, ठीक है, और भाई है तो प्लस का चिन्ह है, लेकिन इसका पता नहीं चल रहा है, क्लियर। अब ध्यान से समझना, जी बी की माँ है, तो जी है वो इस बी की माँ है, माँ है तो ऊपर वाली पीढ़ी में, माँ है तो किसका चिन्ह? माइनस। ये तीनों आपस में भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकती है, क्योंकि इस पर कोई चिन्ह नहीं है। इन तीनों का पिता है ए, इन तीनों की माँ है जी, तो इन दोनों में क्या रिश्ता हुआ? पति पत्नी का। हमें पूछ रहा है जी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो जी का ए से क्या रिश्ता है? जी कौन है ए की? तो इसका राइट आंसर होगा पत्नी। क्या होगा? पत्नी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन डी, बिल्कुल। कई विद्यार्थियों के आंसर डी आ रहे हैं, रमाकांत का आंसर डी आ रहा है, ठीक है। राजस्थान कह रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे सर, तो भैया मेरा कोई बर्थडे नहीं है आज, ठीक है। रॉयल रूपसा डी बता रहे हैं, अशोक डी बता रहे हैं, ठीक है। राहुल स्वागत, ठीक है। एक बार सभी विद्यार्थी ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भैया, इसका मुझे आंसर दीजिए। सीरीज का सवाल है, सभी विद्यार्थी आंसर बताइए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है पर्सन को, एक बार सभी विद्यार्थी ध्यान से समझना कि हमें पर्सन में क्या बोला गया है, ठीक है भैया। सभी विद्यार्थी ध्यान से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। बिल्कुल
राकेश का इसका आंसर डी बता रहे हैं। देखते हैं, देखो पर्सन आंसर दीजिए, मैं जब तक पढ़ रहा हूं पर्सन को। दिए गए विकल्पों में से उन संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है भैया, बताओ क्या आंसर होगा। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी आंसर बताओ। 1140 ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में 456 है, सी ऑप्शन में 224 है और डी में है 344। राइट आंसर क्या होगा सभी बता दीजिए। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी आंसर बताइए, आंसर आने लग गए हैं। सुरेंद्र भी बता रहे हैं, ठीक है, यादव ए बता रहे हैं, अशोक बी बता रहे हैं, रमाकांत सी, ठीक है बिल्कुल, देखते हैं। बी पुनीत कह रहा है बी होगा सर, देखते हैं भैया, अशोक भी बता रहे हैं बिल्कुल, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, इस पर्सन का आंसर देखो सीरीज का है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ है 19, कितना है भैया 19, और यहाँ भी 19, तो गुणा 1, मल्टीपल 1 से हो रहा है। अब देखिए 19 है या 38 है तो गुणा 2 से हो रहा है, या 38 है या 114 है तो गुणा 3 से हो रहा है, यानी एक बढ़ते हुए क्रम में गुणा हो रहा है। सही बात है भैया, तो गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, तो आगे गुणा किससे होगा, 4 से। 114 को 4 से गुणा करके देख लो, आपका वही आंसर होगा 16, 1 4 1 5, ठीक है, और 4, 456 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, और आगे गुणा हो जाएगा 5 से। ठीक है भैया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 456, जिस जिस विद्यार्थी ने बताए बिल्कुल उन सभी का राइट आंसर है। सोनू कुमार ए बता, सोनू है, सोनू आंसर ये बता रही है, ए नहीं होगा भैया। रॉयल रूप सा क्या कह रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोलकर बॉस को उकसाओ मत, आपको बॉस का स्वभाव पता नहीं है क्या। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया। विजेंद्र जाट सर टोंग से हूँ, बिल्कुल स्वागत है आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, मुझे इसका आंसर दीजिए आप सभी। ठीक है, आप सभी अपना प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। ठीक है, अब देखिए 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत है यानी समान है, जबकि इनमें से कोई एक असंगत है यानी भिन्न है, तो असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए, इनमें से असंगत कौन सा होगा। आंसर ए होगा, आंसर बी होगा, आंसर सी या आंसर डी, सभी अपना अपना आंसर दीजिए। सभी विद्यार्थी एक बार आंसर दीजिए कि आपका क्या आंसर आने वाला है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भैया, आराम से क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, गेना राम जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद भैया। गोर्धन बी बता रहे हैं भैया, देखते हैं क्या आंसर होता है, बी बता रहे हैं। सुरेंद्र सी बता रहे हैं, विजेंद्र डी बता रहे हैं, पुनीत डी बता रहे हैं, राकेश डी बता रहे हैं, खोकर डी बता रहे हैं। ठीक है, गेना राम कह रहे हैं गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग, बिल्कुल सभी का आंसर डी आ रहा है। देखते हैं क्या आंसर होता है, एक बार क्लास को शेयर कीजिए भैया, लाइक कीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि वर्णमाला पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आता है और आपसे बिन पूछा जाता है, तो सबसे पहले क्रमांक लिख लो, क्रमांक लिखते ही वो पर्सन बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, पुनीत कह रहा है डी होगा सर, बिल्कुल डी होने वाला है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिए, देखिए देखें पुनीत का सही, सबके डी आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर होता है। क्रमांक देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, एम का 13 है, जे का 10 है, क्यू का 17 है। ठीक है, अब देखिए ई का है 5, बी का है 2 और आई का है 9, जी का है 7, डी का है 4, के का है 11।
आर का है 18, एन का है 14 और यू का है 21। ठीक है, क्रमांक लिख लिया। क्रमांक लिखने के बाद में सबसे पहले हमें प्लस माइनस देखना है कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए भैया यहाँ पर माइनस का हो रहा है 3, फिर प्लस हो रहा है 7। ठीक, यहाँ हो रहा है माइनस का 3, फिर हो रहा है प्लस का 7। ओके, फिर हो रहा है माइनस का 3, फिर हो रहा है प्लस का 7। तीनों में नियम अभी तक सेम लगा है। ठीक है, यहाँ माइनस का हो रहा है 4, यहाँ माइनस का क्या हो रहा है भैया 4 हो रहा है। देखो मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, माइनस 4 प्लस का 7। ठीक है भैया, तो देखिए ए में बी में सी में माइनस 3 प्लस 7 हुआ, लेकिन जो डी ऑप्शन है उसमें माइनस 4 प्लस 7 हो रहा है, इसलिए बिन कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। इस प्रश्न में असंगत कौन सा है, डी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल डी आंसर राइट आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 6 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप बताइए कि कौन सा आंसर होगा। 4 संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है, जिनमें से 3 किसी विशेष नियम के अनुसार संगत है यानी समान है और कोई एक असंगत है, आपको असंगत है वो बतानी है। वही सवाल अभी इसी प्रकार खोकर कह रहा है, तेजा जी की धरती से राम राम सर जी। बिल्कुल राम राम सभी को, तेजा जी हमारे आराध्य देव हैं। बिल्कुल होकर भी बता रहे हैं, बिल्कुल। देखिए बच्चों ध्यान से समझिए इस सवाल को, बिल्कुल मैं आंसर देख रहा हूँ, विजेंद्र भी बता रहे हैं। ठीक है, कई विद्यार्थी अपना आंसर जल्दी जल्दी दीजिए भैया, रिचपाल जो हैं वो अपना आंसर भी बता रहे हैं, मनीष भी बता रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा आप सभी के आंसर आ रहे हैं, रेखा भी बता रही है, देखते हैं क्या आंसर होता है। तो देखिए बच्चों बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, जिन विद्यार्थियों ने आंसर भी दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अशोक का भी आ रहा है, बिल्कुल। देखिए इसमें 3 संगत कैसे होंगे, 3 में नियम समान लगेगा, एक में अलग लगने वाला है। तो देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, यदि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करें तो गुणा 2 से, 13 गुणा 2 26, ठीक, 17 गुणा 2 34, 15 गुणा 2 30 और 12 गुणा 2 24, सब जगह हो रहा है गुणा 2 से, तो याद रही यहाँ तक तो सेम है। अब देखो पहली संख्या और तीसरी संख्या को देखें कि इनमें क्या संबंध है, तो पहली संख्या का तीसरी संख्या वर्ग यानी स्क्वायर है। क्या है भैया, स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, लेकिन बी ऑप्शन में है कि 17 का स्क्वायर यहाँ 278 बता रहा है, लेकिन 278 नहीं होता, 289 होता है, तो इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। बहुत सारे विद्यार्थियों के आंसर बी आ रहे हैं, तो बिल्कुल बी राइट आंसर है। तो एक बार सभी विद्यार्थी ये बता दें कि जो मैं समझा रहा हूँ वो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो मैं आगे चलूँ। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी यस या नो में आंसर दें कि क्या आंसर होगा। कमल का भी आंसर बी आ रहा है, एक बार मुझे जल्दी जल्दी आंसर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है तो यस लिखो। ठीक है, शिव सिंह कह रहे हैं नमस्ते सर, नमस्कार भाई नमस्कार, राघव राम राम सर जी राम राम, बिल्कुल। सुरेंद्र कह रहा है कि समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल। विजेंद्र बिल्कुल समझ में आ रहा है। गोर्धन यस सर बिल्कुल। मनीष भी कह रहे हैं समझ में आ रहा है सर। शिव हाँ बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। काना राम यस सर। रेखा बिल्कुल कह रही है समझ में आ रहा है। ठीक है, रूप सा कह रहे हैं जी सर बिल्कुल। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, सवालों को कॉपी लेकर बैठिए करने के लिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपको मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जिनसे आप आराम से एग्जाम फाइट कर लोगे, रीजनिंग में आपको सवाल में गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, बिल्कुल।
अशोक कह रहा है सर पढ़ने में मजा आ रहा है, बिल्कुल पढ़ने में मजा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने दर्पण का है, मिरर इमेज का है, तो समझिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बता दीजिए बच्चों क्या होने वाला है। यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए, ये रहा PQ पर रखा जाए, तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो इसका आपको दर्पण बनाना है। क्या बनाना है भैया? दर्पण बनाना है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? सभी एक बार आंसर बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। सुरेंद्र कह रहा है आपका पढ़ाया समझ में नहीं आएगा तो फिर किसी का नहीं आएगा। बिल्कुल, धन्यवाद सुरेंद्र, आपका प्यार इसी प्रकार मेरे पे बना रहे। बिल्कुल पुष्पेंद्र सिंह बिल्कुल डी बता रहे हैं इसका आंसर, देखते हैं क्या होगा। विजेंद्र डी बता रहे हैं, मनीष डी बता रहे हैं, रूपसा डी बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका जो आंसर आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। एक बार क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है ना, सभी विद्यार्थी शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, लाइकों की संख्या अभी कम है, लाइक कर दीजिए सभी, क्योंकि हमें आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। यानी हमें एक दिल में ये इच्छा होती है कि हम आपको पढ़ाएं, अच्छी तरीके से समझाएं, आपकी नौकरी लगे, हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए हमेशा याद रखना, दर्पण जब जहाँ रखा जाता है दर्पण के पास में पास वाली ही संख्या होती है, यानी पास वाली संख्या पास में, दूर वाली संख्या दूर में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दर्पण प्रतिबिंब किसे कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में बायां तो हो जाता है दायां और दायां हो जाता है बायां। ठीक है, उसे दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं, यानी लेफ्ट राइट चेंज होंगे। तो देखिए इसमें जो L लिखा हुआ है ना, इस L में इसका बायां दायां चेंज होगा, तो ये हो जाएगा L। A का A रहने वाला है, A में कुछ चेंज नहीं होगा, ये हो गए। I का I होगा, ठीक है, M का M रहेगा। तो देखिए हम यहाँ तक चलते हैं तो ये किस किस ऑप्शन में है, ये देखो यहाँ N आ गया, ये गलत है, B हो नहीं सकता, L से होगा, B हो नहीं सकता, तो राइट आंसर हो जाएगा D। देखो पूरा करना ही नहीं पड़ा, आंसर आ गया बिल्कुल। राकेश क्या कह रहा है, फिजिक्स की क्लास कब स्टार्ट होगी? बहुत जल्द हो जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। मारवाड़ी डांस डीजे 21 बॉस क्या हालचाल है, मस्त है भैया। ठीक है, अब इधर देखो 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे 8वें क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए सभी विद्यार्थी की इस 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता दीजिए क्या होगा। समरूपता टॉपिक में से है, ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो बच्चों इसका आंसर बताओ क्या होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दीजिए क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, देखिए इन दोनों में जो संबंध होगा ना, इन दोनों में संबंध, वही इधर वाले दोनों में संबंध होगा। अब आप संबंध लगाइए क्या होगा। मनीष सी बता रहे हैं, खोकर सी बता रहे हैं, विजेंद्र सी बता रहे हैं, प्रियंका सी बता रही है, ममता सी बता रही है, महेंद्र सी बता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, देखते हैं क्या आंसर होगा। देखिए इन दोनों में क्या संबंध है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत अक्षर हैं, समझ गए, कौन से अक्षर हैं, विपरीत अक्षर है, अपोजिट। देखिए बी का विपरीत जो होता है वो होता है वाई, यू का होता है एफ, एल का होता है ओ और के का होता है पी। तो याद रहे ये कौन से अक्षर हैं भैया, विपरीत अक्षर हैं, अपोजिट हैं। तो ये यदि विपरीत अक्षर हैं तो ये भी विपरीत होगा, और एन का जो विपरीत होता है वो होता है एम, और आंसर यही आ गया, ऑप्शन सी आ जाएगा। लेकिन बता देता हूँ
ओ का विपरीत एल, टी का विपरीत जी और ई का विपरीत वी। लेकिन एग्जाम में केवल पहले का अपोजिट निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नवरत्न जहांगीर, राम राम, बिल्कुल राम राम भाई, ठीक है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करें, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9वां क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो टॉपिक है वो बैठक व्यवस्था से संबंधित है, तो आप इसका आंसर निकालिए क्या होगा। सुरेश नाथ जी सर, ओके, बिल्कुल इसका आंसर निकालिए भैया सुरेश, ठीक है। जल्दी जल्दी इसका आंसर निकालिए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर आने लग गए हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थी एक बार इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में ज्यादातर ये सवाल, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बच्चों अच्छी मेहनत करो, आगामी दिनों में बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो आपका इंतजार कर रही है। आप अपने घर वालों को एक खुशी दें, गवर्नमेंट जॉब लगकर आप अपने घर वालों को खुशी दें। यानी माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब उसका बेटा या बेटी जब नौकरी लगते हैं ना, तो माँ बाप सबसे ज़्यादा इस दुनिया में उस दिन उनके लिए बहुत खुशी का दिन होता है जब उनके बेटा या बेटी क्या लगते हैं, नौकरी लगते हैं, ठीक है। चाहे आप दिन के लाख रुपए कमा लो प्राइवेट में, लेकिन जब आप जिस दिन नौकरी लगोगे ना, तो गवर्नमेंट वो भी, तो आपके माँ बाप सबसे ज्यादा खुश होंगे। बिल्कुल मुन्ना जाट, राम राम बोस, राम राम भैया। ये भी बोस भी एक ट्रेंडिंग में चल रहा है, सब बॉस 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 लिख रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखो, चिराग फिरोज हीरा, जॉय लोहित, ये लोहित है, रोहित नहीं है, ठीक है ना, लोहित लिखा हुआ है। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी सामने की ओर ही इनका मुंह है, ठीक है। लोहित फिरोज के दाई ठीक बगल में बैठा है, तो फिरोज के दाई ओर, तो देखो ये तो हो गया फिरोज, ठीक है भैया। फिरोज के दाई और ठीक बगल में कौन बैठा है, लोहित, तो दाया इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लोहित, ठीक है भैया। अब आगे चलो, चिराग जोय के ठीक बाई बगल में बैठा है, लेकिन आपको मैंने इससे पहले भी कुछ देर पहले ये बताया था कि जो लाइन डायग्राम में नहीं आती है उसे एक बार छोड़ना पड़ेगा, फिर आगे यदि आ जाती है लाइन तो हम उसको डायग्राम में रख देंगे, ओके। अब देखो, इसको हमने छोड़ दिया भैया। अब आगे देखो, लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है, तो देखो लोहित इधर तो बैठ नहीं सकता, इधर तो फिरोज बीच में हो रहा है, और एक ही व्यक्ति बैठा है और वो है हीरा, तो यह है लोहित, तो इधर आ जाएगा चिराग और इन दोनों के बीच में केवल बैठेगा हीरा, ठीक है भैया। अब हमें पूछ रहा है फिरोज के दाई और तीसरे स्थान पर कौन है, तो उससे पहले हमें छोड़ी हुई लाइन लेनी पड़ेगी कि चिराग जोय के बाई और ठीक बगल में बैठा है, तो चिराग किसके बाई ओर है, जोय के, तो इधर आपको रखना पड़ेगा, इधर मैं लास्ट में रख रहा हूं, ठीक है भैया। यहाँ जोय आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो पहले सबसे पहले फिरोज है, फिर लोहित है, फिर हीरा, फिर चिराग, फिर जोय। तो हमें पूछा है कि फिरोज के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये हो गया फिरोज, फिरोज के दाई ओर है, एक दो तीन, तीन नंबर पर कौन है भैया, चिराग। तो ऑप्शन इस सवाल का जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। बिल्कुल कई विद्यार्थियों का आंसर इसमें गलत आ रहा है, सी बता रहे हैं, ठीक है। सेवाग है वो सी बता रहे हैं, प्रियंका सी बता रही है, गलत है, ठीक है। प्रियंका सी बता रही है, सी नहीं होगा। ममता ए बता रही है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। सोनू बिल्कुल ए,
बता रही है नवरत्न, यस बोस, आंसर बता नवरत्न, सी गलत है भैया, ठीक है ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने दसवां क्वेश्चन एक बार फिर समरूपता टॉपिक का है और इस सवाल का आंसर तो आपका आना ही आना चाहिए, ठीक है ना। इस सवाल का आंसर बताइए भैया, क्या आंसर होने वाला है। चिमनी का जिस प्रकार धुएं से संबंधित है, उसी प्रकार इनमें से किसका संबंध किससे है। जल्दी से आंसर बताइए सभी विद्यार्थी, इस सवाल का आंसर बताइए क्या होने वाला है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ भैया, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। देखिए बताऊं, डी बता रहे हैं सोनू डी, ममता ए। जल्दी जल्दी आंसर बताइए भैया, इस सवाल का आंसर तो बहुत स्पीड से आना चाहिए सभी का, ठीक है, बहुत स्पीड से आंसर आना चाहिए। मनीष शर्मा डी बता रहे हैं, अशोक ए बता रहा है, पुष्पेंद्र सिंह डी बता रहे हैं, नरेश डी बता रहे हैं, प्रियंका डी बता रही है, अशोक ए बता रहा है, रूपसा डी बता रहे हैं। देखते हैं, चिमनी से क्या निकलता है, धुआं। चिमनी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। उसी प्रकार गन से क्या निकलती है, बुलेट निकलती है भैया, बंदूक से क्या निकलती है, गोली। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा भैया, डी आंसर हो जाएगा, क्लियर, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, दिशा का है, तो इसका आप आंसर बताइए। अमित बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है भैया, ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या है आपके सामने, एक बार इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखो, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, तो उसका मुख है वो कौन सी दिशा में है भैया, दक्षिण में है, ठीक है। वह वामावर्त, वामावर्त का मतलब क्या होता है भैया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त दिशा में 135 डिग्री और फिर दक्षिणावर्त दिशा में यानी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा, तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पश्चिम होगा, दक्षिण पूर्व होगा या दक्षिण पश्चिम होगा, बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। सभी विद्यार्थी आंसर बताइए, ठीक है। अब देखिए, यदि ऐसा कोई भी सवाल आ जाता है जो डिग्री पर होता है, जो कोण पर होता है, ठीक है, उसको सबसे इजी करने का तरीका एक ही है कि या तो आएगा बायां दायां, या बायां दायां नहीं आएगा तो आएगा दक्षिणावर्त वामावर्त, यानी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, ओके, समझ गए। अब देखो आपको जो प्रश्न में दिया गया है वो लिख लें, सबसे इजी तरीका बता रहा हूं। तो मैंने इधर लिख लिया वामावर्त और दक्षिणावर्त, लिख लिया भैया। अब देखिए पहले क्या कह रहा है समझना, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो यहां उसका जो मुख है वो कौन सी दिशा में है भैया, दक्षिण में, लिख लिया। वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री, तो ये 135 वामावर्त, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों जो दिया हुआ है दक्षिणावर्त और वामावर्त, ठीक है, इनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो 180 में से 145 जाएगा, 135 जाएगा, तो 45 बचेगा, कितना बचेगा, ठीक है, 180 में से 135 जाएगा तो कितना बचेगा, 45। तो बताइए 45 किसका बचा, जिसका ज्यादा है उसका बचेगा, यानी दक्षिणावर्त बचा, दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की दिशा में, तो जितना बचा है ना, तो जहां मुख होता है ना वहां से उतना चल लो, तो यहां से आपको घड़ी की दिशा में 45 चलना है। तो देखो ये जो होता है ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है,
और 90 डिग्री इधर वाली दिशा आपको पता है कौन सी हो जाती है, पश्चिम। लेकिन हमें कितना चलना है, 45। तो 45 जो होगा वो बीच में होगा, तो बताओ दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या आएगा? तो आप कहोगे सर दक्षिण पश्चिम आएगा। क्या आएगा भैया? दक्षिण पश्चिम आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा दोस्तों? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप एक बार मुझे ये बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और बाकी क्वेश्चन आगे हैं वो मैं आपको कल करवाऊंगा। हमारी क्लास रेगुलर रहेगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।